हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरे 2 दिन से व्लॉग नहीं जा रहे हैं और आप सब पूछ रहे हैं व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि आरिफ जो मेरा दोस्त है, आप सब जानते होंगे आरिफ को, आपने कई बार व्लॉग्स में देखा होगा, तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज पर था। उसका लीवर जो है वो फेल हो गया था, तो हम 2-3 दिन से उसी चीज़ में परेशान थे और डॉक्टर ने उसको अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो बोला था। तो 2-3 दिन से हम लोग वहीं, मतलब मैं वहीं था और मन अच्छा नहीं था, ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैंने स्टोरी भी डाली थी, अगर आपने जो इंस्टा देखा होगा, उसका फ़ंड रेज किया था और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत ज़्यादा उसकी मदद की है। और जो भी उसका जो अमाउंट था वो हम सब ने जैसे तैसे करके हो गया है, वो कोई दिक्कत नहीं थी। और डोनर नहीं मिल रहे थे पहले, देन उनकी अप्पी जो है उन्होंने अपना लिवर उसको दिया है। एंड देन सबसे बड़ा वो था कि इसकी सर्जरी जो है वो अच्छे से होगी या नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा कश्मे थे, बट होप तो सबको रहती है, कोई ऑप्शन था नहीं। उसको सिर्फ 48 आवर्स का ही टाइम था कि उसके अंदर करनी है। तो उनकी अप्पी रेडी हुई एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि हाँ रिस्क है तो, बट कोई ऑप्शन नहीं है, करते हैं। एंड देन जस्ट अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले मुझे एक खबर मिली है, अभी फ़ोन आया था वहाँ से कि उसकी सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल रही है, अप्पी भी अच्छी है, वो भी अच्छा है, अभी बॉडी अच्छे से अभी तक तो जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। बस डॉक्टर ने बोला है कि हाँ थोड़ा सा अभी रिस्क है, जो कि 2-3 दिन तक रहेगा जब तक वापस वो चीज़ें नहीं ठीक से होती हैं प्रॉपर तरीके से, अभी तो वो सीडेट है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला स्टेज था वो अच्छे से रहा, सब लोग जो बहुत जो टेंशन में थे, घबराए हुए थे कि सर्जरी कैसे होगी, क्या होगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सेफ है। और बस ये खुशी मिली और फिर मैंने उठा लिया फ़ोन किया, अब ब्लॉग बनाऊँगा। 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं था, मतलब नहीं था उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, चीज़ें कर सकूँ। तो अभी है थोड़ा सा राहत है, लगा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने दुआओं को सुन दिया, सक्सेसफुल रही बस सर्जरी। तो यस अभी ठीक है। और अभी हो रहा है सहरी वक्त ना, यहाँ पे बन रही है चाय। तो कल छुट्टी है, कल फ्राइडे है, कल छुट्टी है, घर पर भी हूँ, तो इंशाल्लाह अब ये ब्लॉग बनेगा। और बस, और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि जो अभी भी आगे के जो दिन हैं थोड़े से रिस्की हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी सब अच्छे से हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़, जब सर्जरी अच्छे से हो गई तो उसके बाद का जो वो चीज़ है वो भी अच्छे से हो जाए, दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो ये रही मेरी सहरी, अंडे की भुर्जी और आमंड फ्लोर की रोटी। तो आ गया हूँ मैं घर नमाज अदा करने के बाद, और आज जैसा कि आप सबको पता है आज फ्राइडे है, आज मेरी छुट्टी होती तो आज मैं घर पे और आज मैं ब्लॉग डेफिनेटली निकालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने दीपिक के लिए एक स्पेशल चीज जो है वो ऑर्डर की थी, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो मैंने मंगाया है दीपिक के लिए ये मैट्रेस। जैसे आप सबको पता है कि इससे पहले जो हमारा मैट्रेस था ना वो थोड़ा सा ना हाइट में ऊंचा था, और जो दीपिका को लिए अब जो उतरने चढ़ने में थोड़ा सा मतलब टफ हो रहा था, और आप सबको पता है कि अच्छी नींद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इस वक्त दीपिका के लिए उसके अच्छी नींद मिलना बहुत जरूरी है और कंफर्ट लेवल के साथ, ताकि उतरने चढ़ने में दिक्कत ना हो, तो मैंने ये मंगाया। ये है फ्लो मैट्रेस है काफी अच्छा इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेसिफिकेशन। इसकी एंटी ग्रेविटी में है 100% नेचुरल लेटेक्स टॉप लेयर और मिडिल लेयर है सुपर सॉफ्ट ट्रांजिशन फोम। इस मैट्रेस का बेस है फ्लो रिस्पॉन्सिव फोम। ये मैट्रेस है एंटी एलर्जिक, इसमें है परफेक्ट मिड पॉइंट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड सपोर्ट। सो ये है द फ्लो एंटी ग्रेविटी, इंडियाज फर्स्ट मैट्रेस डिजाइन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड मेक यू फील लाइक यू आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। जैसे कि आप सबको पता है कि अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप सबको ये भी पता है कि आजकल जिस तरीके से हमारे आसपास टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में अगर आपको केमिकल फ्री नेचुरल मैट्रेस मिल जाए, उसमें 6 से 8 घंटे की नींद मिल जाए सुकून वाली, तो फिर क्या ही पूछना है। इसीलिए इस फ्लो मैट्रेस में ये जिपर वॉशेबल कवर है, जिससे ना क्लीनिंग बहुत ईजी हो जाती है, और वो है ना टॉक्सिन और केमिकल वाली नींद वो आपको परेशान नहीं होने देगी। देखा आपने मैं कितनी तेज यहां मैट्रेस में कूदा, और ये पानी का गिलास जो है वो नहीं गिरा। इसका मतलब ये मैट्रेस है जीरो पार्टनर डिस्टरबेंस, क्योंकि अगर आप यहां पे सोएंगे और आप कुछ भी मूवमेंट करेंगे और आपका पार्टनर अगर पीसफुल नींद में, गहरी नींद में सो रहा है ना, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप कोई मूवमेंट हो रहा है, और उसकी पीसफुल स्लीप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी।
तो यस, हमें मिला है ये बहुत ही बेस्ट कंफर्टेबल फॉर्म। इसकी मटेरियल क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और सस्टेनेबल है, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है नो स्लीप डिस्टर्बेंस। देखा ना आपने अभी, नो बैक पेन, नो बॉडी पेन, और हाँ, इसमें कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है। जो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली उस पर क्लिक करिए और इनकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली ऑर्डर कीजिए। मार्केट के बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस मिलेंगे आपको, और उसके साथ ही 100 नाइट रिटर्न पॉलिसी एंड 10 इयर्स वारंटी। तो देर किस बात की है, गो एंड चेक आउट। हमें तो सुकून की नींद देने वाला मैट्रेस मिल गया है, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब आप डायरेक्टली कंपनी से ऑर्डर करते हैं और दुकानदार से पैसे बचा रहे हैं। सो गाइस, आप भी जरूर ट्राई करें। और सब वर्कर्स भी आ गए हैं, अब डिम्पल भी फुल फ्लेजेड में आ जाई है अपने सब लोगों को, पूरी टीम को लेके। तो अब लग रहा है कि चलो, और वो बोल रही है ना बार बार कि मैं ईद तक आपको ये बेडरूम दे दूंगी, तो वैसे लग रही है ईद तक नहीं देगी बेडरूम, कह तो रही है ईद तक डिफिकल्ट है, ईद तक मुश्किल है, एक महीना जाए आराम से। तो फाइनली यहाँ से दो सेपरेट रूम थे, एक ये रूम था और एक ये रूम था। तो अभी इसकी वॉल जो है बीच से हमने तोड़ी है, और ये पूरा एक सिंगल, ये वाला जो रूम है ये होगा बेबी रूम, और ये इससे कनेक्टेड ऐसे यहाँ से वॉल बीच से तोड़ी है, ये होगा हमारा बेडरूम। तो ऐसा कुछ सोचा है, ये देखो पूरा ऐसे, ये वॉल जो है पूरी यहाँ से ये पैक हो जाएगी, और यहाँ से एक एंट्रेंस, एक दरवाज़ा टाइप का, गेट टाइप का बनेगा, इसकी एंट्री ऐसे होगी, एंड देन फिर पूरा ये रूम होगा। तो आ गए हैं वहाँ से, घर का अब काम जो है वो शुरू होता रहेगा, चलता रहेगा। डिम्पल ने ऐसा बोला है कि ईद से पहले वो हमें रूम देगी, हमारा वाला एटलीस्ट, पर देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं है, बट जुलाई से पहले घर चाहिए, ये हमने बोल दिया कि चाहिए इंशाल्लाह। तो चलिए, आज जो है मैडम के पैरों में है एज यूजल, सूजन थोड़ी पैरों में है, तो आज मैं घर पे हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो हम तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। आज की इफ्तारी जो है वो मैं प्रिपेयर कर देता हूँ, तुम मुझे किचन में खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देती रहो, खड़े होके मतलब सॉरी बैठ के, मतलब चेयर रख के। तो बनाना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं बना रहा हूँ मैं, वही जो बनता है गुलगुले भजिए और शरबत, यही सारी चीज़ें, पापड़ जो मैं जला देता हूँ हमेशा, तो वो करते हैं तैयार, और तुम चलो बैठो चल के, और फिर चलते हैं इफ्तारी के लिए। चाहिए आपकी शरबत बनाने का सामान, कल ही बना के रख दूं, पूरा भी 2 घंटा है, डेढ़ घंटा है। हाँ, इसको दूध में घोल के रख दो। सबसे पहले क्या क्या बना रहे हो आप, पहले ये बताओ। कुछ नहीं, वो गुलगुले भजिए और शरबत बन जाएगा सब, पता नहीं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, काम करो, सबसे पहले गुलगुले का बैटर घोल लो, फिर ये घोल देना, तब तक इसे बाहर ही रख दो, आइसक्रीम और सॉफ्ट हो जाएगी। चलेगा। वो लास्ट वाला 2 कबर्ड खोलो, उस तरफ वाला खोलो। हाँ, दिखाओ क्या निकाला। हाँ, इसमें खोलो, करेक्ट। ये कोई आपका भजिए के लिए, ये कोई गुलगुले के लिए। एक छन्नी निकाल लो, थोड़ा और डाल दो। क्या किया? अरे मेरा कैमरा ऑफ था, कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? इलायची पाउडर और चीनी, फिर डालो गरम तेल। हाँ नहीं, वो वैसे ही खुलता। देखो इलायची पाउडर की बॉटल होगी, वो चिली फ्लेक्स की बॉटल के बाजू में, सौंफ के पीछे फिलहाल। हाँ ये डालो, और चीनी का पैकेट उसमें से निकालो, वो कबर्ड में से डालो। बस अब इसको पहले ड्राई मिक्स कर लो, ठीक है। अब उसको वो करो, आटे में आपको बराबर चीनी फील हो रही है या कम लग रही है? कम लग रही है, थोड़ी सी। डालो और डालो, मुझे भी लगा कम है। बस अब सही है, ठीक है ना? गुलाब जल गुलाब जल गुलाब जामुन बोल रहा था, ठीक है ना? गुलगुले थोड़े बहुत मीठे होंगे तो भी चलेगा। हो गया। अभी एक कटोरी में तेल लो, इसे गरम करो। कटोरी है, इसमें गरम कैसे करूंगा इसको? माइक्रोवेव में। अरे यार, वो डर लगता है मेरे। अरे कुछ नहीं होगा, माइक्रोवेव में ही तो रखना। फट गया है कल, वो तो ओवन फटा है।
और ले लो आधी कटोरी तो भरो। हाँ बस ऑन। हाँ बस डाल दे इसमें पूरा मत डालना बहुत ज्यादा कट गया। बस बस नहीं अभी रुक जाओ पहले यही घोलो। हाथ से मिक्स होगा गरम है मैं करूँ बैठे बैठे कर देती हूँ। नहीं ऑयल सही है ये ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लो फिर पानी डाल लो और ऐसे थिक पेस्ट होता है ना उतना कंसिस्टेंसी बना लीजिए। मिक्स कर दो पूरे से। हाँ पानी डालते जाओ और उसको घोलते जाओ। हाँ बस डाल आजा आजा चानू के बुलबुले बज गए देख नहीं आए पहली बार हम लोग देख रहे हैं। तुमने बताया तो हमसे रहा नहीं गया हम थोड़ा सा लेट नमाज के लिए भूल रहे हैं। जब बना था हम लोग चलो देख के आ रहे हैं जो कभी नहीं देखा वो आज देखने को अम्मी को सबको मिलेगा। सीधे चले हम लोग ने पहली बार देखा हम लोग के सामने आगरा में थी तब चिकन देखा था चिकन और कोई एक बार केक कुछ बनाया था आने मिलते थे लेकिन गुड़गुड़ भजिया सुना तो हम सीधे चले आए। हमने कहा अभी चलो देखे कैसे बना रहा है दिखाओ ये देखो तुम्हें गूंदा है। अभी भजिया बनाएंगे भजिया गूंदोगे। हाँ शरबत के लिए ये सामान मंगा के रखा है अंगूर जो कभी नहीं देखा देखने को मिला सब वाले सही हम लेट थे हमने को थोड़ी देर में सब क्लास पढ़ने उठ रहा है अभी असर का टाइम होने वाला है। जब देखा तुमने बताया कि सोए बना रहा है गुलगुला वैसे तो जल्दी से तैयार हो गया है। हाँ वही है प्याज काट ली नहीं नीचे बच्चों की तरफ से पहले होना था बच्चों का भी नहीं हुआ है। हाँ। तो आप ये कर रहे हैं। हाँ, आज पूरा इंतजाम शोएब की तरफ से बड़ा वाला ले लो आप बाथरूम भी दिखा रहा है वो आप निकाल दे आज इसके पैर में सूजन है पैर में सूजन है तो नीचे और बाथरूम बना देते ना मैं उसमें क्या है घर वालों को खिलाना चाहिए उसके बाद से किचन में आया नहीं अभी तो 15 रमजान बाकी है ना दोबारा आ सकते हो। जब हम नहीं सानू की बात कोई काटते हैं तो सानू हमारी बात कैसे काटेगा। सही बात है बिल्कुल। तो शोएब ये वार्म अप एक बार और चाहिए। आप बाद में जब अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बुलाऊंगा ठीक है फिर आप देखना खाना बनाने के बाद किचन साफ किस तरह आपका ही रहता है बस चलो जा रहा है अल्लाह अभी भजिया सबसे पहले प्याज काट लो। प्याज ये सिंगल कबर्ड खोलो कितने लोगों के लिए बना रहे हो मुझे नहीं पता आइडिया नहीं है इसमें। पापा क्या कर रहे हो वो कर रहा है 6 बजे आएगी आज वो कर रहे हैं भजी गुलगुले बना रहा हूँ आज मैं क्यों ऐसे ही बनाओ तो प्याज काटने में दिक्कत है तो तीन छिलके छिलके बटो एक मिनट अच्छे लग रहे हो आज वहाँ वहीं रख लो पहले प्याज को अच्छे से धो लो। ओए ये क्या था कौन बोलेगा आप पहली बार कट कर रहे हो देखो ये बीवी के साथ मास्टर शेफ देखने का नतीजा है ना नहीं आप प्याज के साथ ट्विन कर रहे हो इसमें डालो पालक है
हो गया है इसमें पतीला छोटा, तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत बढ़िया है, वाह रे, अच्छी प्यास काटी मैंने, बारीक बारीक, बहुत मस्त काटी। रोज आ सकते हैं आप, काटे रोज कटवा सकते हैं, अभी फ्रूट कटवाएगा तो प्याज भी कटवा देगा। ये क्या किया शॉट देने के चक्कर में? शॉट नहीं, वो कलाकारी करते ऐसे करके ऐसे वो नहीं हो पाया। जीरा मसाला अच्छे से डाल दो, दो चम्मच। खोल सकते हो अनियंस को, उतना खोल दो। शोएब भजी वाला थोड़ा सा ऐसा है। मिक्स कर दो, 10 मिनट के लिए ढक के रख दो, फ्राई कर। मूड बना लिया सांस लेने का। और देखो रोज शरबत भी होगा। रोज शरबत क्यों? आपको उस वाला रोज अच्छा लगा था ना? नहीं ये ठीक है मुझे। अरे तो मैंने शरबत पर मुझे थोड़ी पीना है। हाँ ये रहा रोज शरबत, ठीक ना? ये पक्का तुम होगी, कैप नहीं लगाया तुमने, ये पक्का तुम होगी। नहीं तुम्हें करती ये कैप नहीं लगाती ये, अब मेरी क्या गलती है? साफ करना भूल गया चीटी, तुम ही हो दीप्ती, मानो या ना मानो, बड़ी कॉन्फिडेंटली बोल रही हो, उस दिन का अच्छा लगा ना तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ ना, छोड़ दे मैं बातें करती हूँ, और तुम्हारी हमेशा की हैबिट है ये। यार मैं अभी बाद में करता हूँ, मैं अभी वो टाइम हो जाएगा। हेलो ले रोज शरबत बोलो अभी। इसकी हमेशा की हैबिट है ये, कोई भी चीजों का कैप खोलेगी निकालेगी सामान और बस ऐसे रख देगी उसको, वापस टाइट नहीं करती कैप को। ठंडा पानी शरबत में डालने के लिए। तुम बैठो, तुम्हें बैठने के लिए। हाँ हाँ मैं बैठ रही हूँ, ये लो बैठ लो, झूला झूला पूरा माफ कर दो। क्या उड़ा है बस हो गया, बस रख दो। हाँ हो गया, हो गया करते मुझे नहीं आई। देखो देखिए हैंडल्स को इतना सा उठाओ और उसको ऐसे छोड़ो, देखो फूल रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नहीं हो रहा बेटा, ऐसे डालते थोड़ा फर्क चला लो जाता है।
बस 15 मिनट लगते, इट टेक्स अराउंड 15-20 मिनट्स फॉर गुलगुले टू कुक। अभी क्या कर दिया? कुछ नहीं। अभी अभी वो हाथ पोछो, घी डालो, सही हो रहा है? हुआ ऑयल? हाँ मस्त गर्म हुआ, सब भर के चटका नहीं लगा लेना। कैसे डालूं इसको? मतलब मिक्स हो गया ना सही? एक एक प्याज अलग अलग भी निकला है ना, तू भी उगा लेंगे, आप टेंशन मत लो। गुलगुले को टाइम लगता है, अगर जल्दी निकालोगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मेरे को क्रिस्पी क्यों नहीं बने? तुम लोग के बनते हैं? बन तो रहे क्रिस्पी। वाइट वाले अगर वो वाले अगर वो सीधे तो छोड़ दो, जो पहले के डाले हुए हैं वो निकाल दो। हाँ सही है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? हाँ बैठो 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 बैठो, मैं जरा सा कुछ बना रहा था। सीधी खड़ी होगी तो भी उठना ही घूमेगी कच्ची। कुछ तो कच्चे हैं कुछ है मिशु, बाहर निकल के हो जाता है, जब तक आप खाने की बात पे आओगे ना तब तक हो जाएगा। तो फाइनली बना लिए हैं, लेकिन पापड़ मुझसे नहीं हो पाए, दीपिका ने मेरी हेल्प कर दी लास्ट में आके, वो चीजें होगी थोड़ी सी हेल्प की ज्यादा है ना। तो ये रहे गुलगुले भिजिए और अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है, चलो चलो चलो। तो आ गए हम ऊपर, हो गया इफ्तार, अभी जाऊंगा मैं नीचे, अकरम देखो पीछे है, अम्मी आई हुई है, तो हम लोग साथ में करेंगे लंच, हाँ रेहान सॉरी डिनर करेंगे। रेहान ये रहा, इसके पैर के भी आजकल रोज ड्रेसिंग होती है, थोड़ा सा क्लीनिंग व्लीनिंग करने के लिए, क्लीनिंग शेव होकर मस्ती बिल्कुल घूम रहा है ऐसे। और अभी कहीं जाने का प्लान है क्या? सब लोगों के साथ कहीं जा रहा है क्या तुम? बस ये वाला ब्लॉग था, आज छुट्टी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा एक कुकिंग ब्लॉग बना दिया, ऐसे कोई रेसिपी है नहीं, आप सबको पता है, आप पहले देख चुके हैं गुलगुले भजिए की रेसिपी, बस मुझे गाइड कर दिया मैडम ने तो मैंने बना लिया। अभी इनका ब्लॉग भी जो है वो एडिट हो रहा है, अभिषेक एडिट कर रहा है, तो चलते हैं, अम्मी नीचे वेट कर रही है। और मैंने गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया? मैं रोटी ऑर्डर करना भूल गई और अभी खाने का वक्त हो गया है। कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे थोड़ी देर, जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसका वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, और आरिफ को दुआओं में याद रखिए कि इंशाल्लाह बस जल्दी से ठीक होकर वो घर आ जाए, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, आज पूरा दिन भी सब अच्छा रहा, स्टेबल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ कीजिए कि वो सही हो जाए। जल्दी मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।